आज की सबसे बड़ी खबर 2000 के नोट का क्या होगा। नोटबंदी वाले दिनों की याद आते ही आज भी देश के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम नोटों की बात करने वाले हैं। नोटबंदी के दिनों में बाजार में लाए गए 2000 के नोट को लेकर खबरों और अफवाहों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि आरबीआई ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए हैं। अगर ऐसा है तो आगे क्या होगा, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने हैं, लेकिन सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर खामोश है। वर्तमान में जारी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य हो गई। पिछले साल 8 नवंबर की रात 8 बजे पीएम मोदी ने जब काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, तब जन्म हुआ था 2000 के गुलाबी नोट का। मोदी के इस ऐलान के बाद नोट बदलने के लिए देश में हाहाकार मच गया था। 3 महीने तक देश एटीएम और बैंक की लाइन में खड़ा रहा था। पैसे पैसे के लिए तरस गए थे देश के लोग। पीएम मोदी के वादे के मुताबिक 50 दिन बाद परेशानी के दिन दूर होने शुरू हुए और एटीएम बैंकों से 500 और 2000 के नोट मिलने लगे। अब 2000 के नोट को लेकर फिर भारी कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। कई अखबारों में, सोशल मीडिया में 2000 के नोटों को लेकर तरह तरह की खबरें चल पड़ी हैं। आज राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और नरेश अग्रवाल ने 2000 के नोट को लेकर कंफ्यूजन का मामला उठाया, लेकिन कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ क्योंकि जेटली ने कुछ कहा ही नहीं। मनी सरकार ने 2000 के नोट बंद करने का दोबारा निर्णय लिया है और रिजर्व बैंक को ऑर्डर दिया है कि 2000 के नोट अब आप छापेंगे नहीं। अगर पहला निर्णय सरकार का है तो दूसरा निर्णय भी सरकार का है। मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा। मैं मानता हूं कि इसकी तत्काल सफाई होना चाहिए, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा ये मामला गंभीर है, इसके ऊपर आपको साफ साफ बात कह देना चाहिए। और ये 2000 का नोट जो है वो कई तरह से लोग वापस करने लगेंगे। 2000 के नोट को लेकर क्या कहा सुना जा रहा है, ये सुनिए। पहली खबर ये है कि 2000 के नोट की छपाई आरबीआई ने बंद कर दी है। छपाई का काम 5 महीने से बंद है। दूसरी खबर, सरकार छोटे नोट बाजार में लाने की कोशिश कर रही है। तीसरी खबर, 200 रुपए का नया नोट बाजार में आ सकता है। आरबीआई के मैसूर प्रेस में 200 रुपए के नोटों की छपाई शुरू भी हो गई है। महीने भर में करीब 1 अरब रुपए के 200 रुपए के नोट बाजार में आ जाएंगे। हो सकता है कि 15 अगस्त तक इसका ऐलान हो जाए। 2000 के नोटों को लेकर एक और कंफ्यूजन इसलिए भी फैल रहा है कि शॉपिंग वेबसाइट ईबे पर 2000 के नोट का ऑक्शन हो रहा है। दावा है कि नोट बंद होने वाला है, इसलिए ईबे पर 1.5 लाख में 2000 वाला नोट मिल रहा है। एबीपी न्यूज ने देखा है कि 2000 का नोट ईबे पर ऑक्शन के लिए उपलब्ध तो है, लेकिन ज्यादातर नोट ऐसे हैं जिनके नंबर में 786 प्रिंट है। 2000 के नोटों को लेकर बने कंफ्यूजन की स्थिति को लेकर दरअसल 2000 का गुलाबी नोट जब से आया है तब से विवाद और कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जब सरकार नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का हथियार बता रही थी, तब जानकार 2000 के नोट को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बता रहे थे। दलील ये कि 2000 का काला धन दबाना हो तो 100 रुपए के 20 नोट रखने पड़ेंगे, लेकिन 2000 के नोट से सिर्फ 1 नोट में पैसा दब जाएगा। 2000 के नोट को लेकर व्यवहारिक दिक्कत आज भी खत्म नहीं हुई है कि छुट्टा नहीं मिलता। देखिए बाजार में 2000 के नोट की स्थिति। 2000 रुपए के 7.5 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के 3.25 अरब नोट प्रिंट हो चुके हैं। जो नोट छापे जा रहे हैं उसमें से 90% 500 रुपए के नोट हैं। अब तक 500 के 14 अरब नोट छापे जा चुके हैं। इस समय देश में कौन सा नोट कितनी मात्रा में बाजार में है, इसकी जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय 43% नोट 500 रुपए के हैं।
28.80% नोट 2000 रुपए के हैं, करीब 20% नोट 100 रुपए के हैं, 7% से कुछ ज्यादा नोट 10, 20 और 50 रुपए के हैं। अगर 2000 के नोट को लेकर चल रही खबरों में जरा भी सच्चाई है तो देश में दो तरह की स्थिति बन सकती है। पहली स्थिति, सरकार 2000 के नोट बंद करने का ऐलान कर सकती है। ऐसी स्थिति में फिर एटीएम बैंक की लाइन लगेगी, क्योंकि सरकार नोट बदलने का मौका देगी। तो दोस्तों क्या कहते हो, सरकार का फैसला सही है या गलत? अब 200 रुपए के नोट बाजार में जल्द दिखाई देंगे, जिससे करप्शन और ज्यादा कंट्रोल में आ जाएंगे। मेरे हिसाब से सरकार का ये फैसला सही है। करेंसी का वैल्यू तब ही बढ़ेगा जब वो छोटी हो, जैसे कि यूएस डॉलर अपनी वैल्यू 1 डॉलर की आजकल 64 रुपीज इंडियन के बराबर रखता है, और यूएस की बिगेस्ट करेंसी 100 डॉलर के ऊपर की नहीं है। अब इंडिया में करेंसी वैल्यू तब ही बढ़ेगी जब 500 रुपए के नोट हाईएस्ट हो, उसके ऊपर कोई करेंसी ना हो। तो दोस्तों अपने सुझाव जरूर पेश करें कमेंट के जरिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप भी करप्शन को खत्म करने में सरकार की और हमारी मदद जरूर करेंगे। चलिए चलता हूँ, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। जय हिंद।